This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Espresso, Coffee Shop, Studio 11, Saloon and Spa, and by Madina Chicken World. Unko reh reh kar takleef di gayi. Unke samne Mallikarjun Kharge ne ek candidate ko thehra kiya. Sirf Kamrul Islam ko nuksan pahunchane ke liye. Sirf Kamrul Islam sahab ko takleef dene ke liye. हाय एवरीबॉडी, दिस फैज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हैं गॉयस। फिलहाल हम लोग आज एमएस की मिल खदीर चौक पर हैं, जहां पर एआईएमआईएम का मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम चल रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ एडवोकेट वहाज बाबा। जीबीबीटी के अंदर उसको पास करते हैं अवाम, जब तक तकरीबन मुस्लिम पर जीबी में जब तक पास नहीं होता तो शहर का नाम नहीं चेंज होता। ये कारकुनों से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई तुम मेरे इलेक्शन में पैसे लेते थे, ये गूगल का नाम चेंज करने में कितने पैसे लिए? तुम साइन करने कितने पैसे लिए? मैं डिप्टी में जब सुनते हैं तो 1-2 लाख रुपए लेते हैं। जब हमारे हजरत बंदा नवाज का नाम चेंज किया गया जो जीबी मीटिंग में रखा जाता है, उसका एडमिशन फाइल नहीं किया तुमने, तुमने पैसे लेकर मेरे हजरत बंदा नवाज का रखा हुआ नाम को चेंज करने में तुम लोग आगे बढ़कर सिग्नेचर करे। इंशाअल्लाह ताला हजरत बंदा नवाज चल जमीन पर, हजरत बंदा नवाज चल जमीन पर खाजा देशोदराज आने वाला खाइब वो होगा जो हजरत बंदा नवाज जिसको खाइब बनाएंगे वही खाइब होगा। आज एमएस की मिल जिलानाबाद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से खदीर चौक पर प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सैयद साहब, हमारे जमीर बिल्डर साहब, मिनहाज बिजापुरी साहब, इमरान साहब और उनके तमाम सुहेल साहब, उनके तमाम साथियों को आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से जिम्मेदारी दी जा रही है और इंशाअल्लाह ताला उनसे ये यकीन और तवक्कु की जा रही है कि ये तमाम लोग मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के लोगों के साथ मिलकर, जिम्मेदारान से मिलकर शहर गुलबर्गा में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का बोलबाला करेंगे और हर घर पर मजलिस का परचम लहराएंगे। ये जो सरों का समंदर आपको नजर आ रहा है, ये सरों का समंदर खरीद कर नहीं लाया गया, नाई के जरिए से लाया गया, बल्कि ये लोग अपनी मोहब्बत, अपनी ईमानदारी, अपनी इखलास के साथ मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में शरीक होने आए हैं, शामिल होने आए हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि एक वाहिद जमात है मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जो शहर गुलबर्गा में काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला 2018 में हम ये लोग बताएंगे कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जो ईमानदारी का परचम लेकर आगे बढ़ रही है उनका साथ देंगे, क्योंकि ये लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो कौम को आज खरीदेगा वो कौम को कल बेचेगा, जो चिंचों में आज खरीदेगा वो कौड़ियों में कल कौम को बेचेगा। ना गुंडाई चलेगी, ना किसी के पैसे चलेंगे। अगर 2018 में कोई बात चलेगी तो ईमानदारी चलेगी, खिदमत चलेगी, दियानतदारी चलेगी, इखलास चलेगा, मुसलमानों का इत्तेहाद चलेगा, मुसलमानों का विकार चलेगा। ज्वाइनिंग जलसा, वो रैली इस बात की जमानत है कि मुसलमाना ने गुलबर्गा कामयाबी की बिल्कुल कगार पर आ पहुंचे हैं और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि गुलबर्गे का मुसलमान, गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी का मुसलमान 1978 की तारीख को फिर दोहराएगा और यहां का मुसलमान एक ऐसे नुमाइंदे एडवोकेट वहाज बाबा को कामयाब करके असेंबली के ऐवानों तक भेजेगा। और इसी के साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देता हूं जनाब सोहेल साहब, जनाब जमीर साहब, जनाब सैयद अली साहब, जनाब इमरान साहब को कि उन्होंने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का परचम थामा। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को न सिर्फ इन्होंने बल्कि एक बड़े गलबे के साथ मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की और मैं बहसियत नायब सदर उन्हें यह तयक्कुन देता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन उस वक्त तक आपके साथ हैं जब तक के आप में दियानतदारी हो और हम आपसे भी ये वादा करते हैं कि आप हमारे साथ उस वक्त तक रहें जब तक के आप में आप दयानतदारी देखें। कांग्रेस के टिकट के दावेदार बहुत सारे हैं, मगर मेरे मुताबिक खमरुल इस्लाम मरहूम कायद मोहतरम के इंतकाल के बाद में कांग्रेस में
कोई पोटेंशियल कैंडिडेट ही नहीं है। जो सियासी तौर पर यतीम हो चुके हैं वो चाह रहे हैं कि कायदे मोहतरम की अहलिया मोहतरमा कनीस फातिमा को, कनीस फातिमा साहिबा को कांग्रेस की टिकट दिलाए और उनके जरिए से अपनी सियासी यतीमी से जो महरूम है उस महरूमियत को दूर करें। मगर आप तमाम के चैनल से, मैं एक बेटे की हैसियत से, एक छोटे भाई की हैसियत से, भतीजे भांजे की हैसियत से मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि यकीनन कायदे मोहतरम के इंतकाल के गम में हम आपके साथ यकीनन हैं। मगर आपको बताना चाहता हूँ ये लोग आपकी तवज्जो किस जमात की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो जमात आपके खाविन और मेरे कायद को हयात में उनके तकालीफ दी, उनकी मिनिस्ट्रीज निकाल कर तकालीफ दी, और एक मिनट उनकी मिनिस्ट्रीज निकाल कर तकालीफ दी, उनके बैनर्स पर से उनके फोटो को हटाया गया, उनके नाम को पैम्पलेट्स पोस्टर्स में से हटाया गया, उनको रह रहकर तकलीफ दी गई। उनके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कैंडिडेट को ठहरा किया सिर्फ कमरुल इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, सिर्फ कमरुल इस्लाम साहब को तकलीफ देने के लिए। मोहतरमा, क्या आप ऐसी जमात का साथ देंगे? क्या आप ऐसी जमात की तरफ तवज्जो करेंगे? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके खाविन और मेरे खायद मरहूम खमरुल इस्लाम साहब के ताल्लुक से जिन जिन लोगों ने तकलीफें दी है उन तकलीफों का इंतकाम लेने के लिए आप हमारी ताईद का ऐलान कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम ढूंढ ढूंढ कर उन तमाम लोगों से इंतकाम लेंगे। और 2018 में, 2019 में कायदे मोहतरम खमरुल इस्लाम साहब को जिन लोगों ने तकलीफ दी है उन्हें धूल चटाएंगे इंशाअल्लाह ताला। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Studio 11, Saloon and Spa, and by Madina Chicken World,